रोंगटे खड़े कर देने वाले दुनिया के 6 एयरपोर्ट। नंबर 1, तेनजिंग हिलेरी एयरपोर्ट। नेपाल के तेनजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के रनवे को आप रोमांच का दूसरा नाम कह सकते हैं। हिमालय की चोटियों के बीच बसे शहर लुकला में है 460 मीटर लंबा रनवे। इसके चलते यहाँ केवल छोटे विमान और हेलीकॉप्टर ही उतर सकते हैं। रनवे के उत्तर में पहाड़ की चोटियाँ हैं तो दक्षिण में 600 मीटर गहरी खाई एक चूक हादसे का सबब बन सकती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग इसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है ये। नंबर 2, बर्रा एयरपोर्ट। स्कॉटलैंड का बर्रा एयरपोर्ट समुद्र में ज्वार भाटा आने पर यह एयरपोर्ट पानी में डूब जाता है। यह एयरपोर्ट अपने आप में खास है क्योंकि यह ऐसा रनवे है जहां उड़ानों का समय समुद्री तूफानों के समय से प्रभावित होता है। यह एयरपोर्ट ट्रेगमोर समुद्री तट पर बना हुआ है। बर्रा द्वीप पर स्थित है ये रनवे त्रिकोणीय आकार बनाता है और यहाँ लकड़ी के पोल लगाए गए हैं ताकि विमानों को बालू पर उतारने में मदद मिल सके। नंबर 3, माले एयरपोर्ट। मालदीव के माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरना पायलटों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जो अल्कतरा से बना हुआ है और समुद्री तट से केवल 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एयरपोर्ट द्वीप के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक जाता है। पायलट की एक छोटी सी चूक से हवाई जहाज़ सीधे हिंद महासागर में जा गिरेगा। यह दुनिया के चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल है जो पानी से शुरू होकर पानी पर ही ख़त्म हो जाता है। हुलहुले द्वीप उस समूह का हिस्सा है जो 90,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। इसमें कुल 1,192 द्वीप है। हुलहुले द्वीप का पूरा इस्तेमाल केवल एयरपोर्ट के लिए किया गया है। यहाँ उतरने के बाद पर्यटकों को स्पीड बोट्स की मदद से अपने दूसरे ठिकानों तक पहुँचना होता है। नंबर 4, इरास्केन एयरपोर्ट। कैरिबियाई द्वीप साबा के जुएनको इरास्केन एयरपोर्ट पर लैंड करना कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस एयरपोर्ट का रनवे व्यावसायिक उड़ानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रनवे में सबसे छोटा है। इस रनवे की लंबाई करीब 396 मीटर है। अमूमन रनवे 1800 मीटर से 2400 मीटर की लंबाई के होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ केवल छोटे विमान जिनकी स्पीड तेज़ी से कम हो सकती है वही उतर सकते हैं। यह रनवे जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। यह रनवे एक पर्वतीय चट्टान पर बना है जो तीन ओर से समुद्र में घिरा है और एक तरफ पर्वतीय चोटी मौजूद है। यहाँ जेट विमान नहीं उतर सकते। नंबर 5, कोलोरेडो एयरपोर्ट। वहीं अमेरिका का कोलोरेडो स्थित टेलूराइड रीजनल एयरपोर्ट 2,767 मीटर की ऊंचाई पर है और उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा व्यावसायिक एयरपोर्ट है। टेलूराइड का सिंगल रनवे रॉकी पर्वत के एक हिस्से पर बना हुआ है और इसके सामने 300 मीटर की गहराई पर सान मिगुल नदी बहती है। हालांकि 2009 में निर्माण कार्य करके इस रनवे को सुरक्षित बनाया गया है। अब यहां बड़े विमान भी उतर सकते हैं। एयरपोर्ट के अधिकारी हिदायत देते हैं कि सिंगल और लाइट ट्विन इंजन वाले विमान वहां रात में न उतरे। वहां 30 नॉट से ज़्यादा की हवा और 15 माइल से कम की विजिबिलिटी पर उड़ान भरने की भी इजाज़त नहीं है। नंबर 6, काई टॉक
एयरपोर्ट। हांगकांग का काई टाक एयरपोर्ट भी बेहद खतरनाक था, इतना खतरनाक कि यात्री यहाँ लैंड करने को काई टाक हार्ट अटैक कहते थे। अब ये एयरपोर्ट इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन 1925 से 1998 तक यहाँ विमान उतरते और उड़ते रहे हैं। यहाँ से उड़ान भरना या उतरना दुनिया के आश्चर्यों में से एक था। इसके दोनों तरफ ऊंची इमारतें थी, खासकर 747 विमान का उतरना यहाँ डराने वाला अनुभव था। उड़ान भरते और उतरते वक्त विंडो सीट से आप लोगों के घरों में आसानी से झांक सकते थे। वैसे ये रनवे भी बड़े विमानों के लिए छोटा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।